दोस्तों, ब्लाउज बनाना एक बहुत ही बड़ा आर्ट है। आपके द्वारा सिले गए ब्लाउज को देखकर ही पता चल सकता है कि आप कितने अच्छे मास्टर हैं। आज हम आपको इस बेहतरीन से कटोरी कट ब्लाउज की स्टिचिंग बता रहे हैं, शुरू से लेकर आखिरी तक उन्हें जरूर देखिए। मैं हूं रुपेश देवांगन। दोस्तों, पिछले दिनों ब्लाउज मास्टर चैनल पर हमने ये कटोरी कट ब्लाउज की कटिंग आपको बताई थी, आप जाकर देख लीजिएगा और इसका डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक भी दे दिया है। अब देखिए दोस्तों, इसको हम कपड़े में किस प्रकार से काटते भी हैं और इसका डिजाइनिंग कैसे करते हैं। अब देखिए, ये जो है पेच वर्क जो इस प्रकार से है, बॉर्डर वाली जो साड़ी है ना। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर बॉर्डर को हम इसका यूज भी कैसे करना है ताकि आपको यूज भी करते अच्छे से बने। तो देखिए, सबसे पहले तो इसमें क्या करेंगे, इतना हिस्सा हम काट कर अलग कर देंगे ताकि इसका हम कुछ यूज करते बने। देखिए, इसका हम लेस के समान इसका उपयोग कर लेंगे, इस पट्टी का। अब देखिए, इसके बाद हम बैक पार्ट इसमें काट लेंगे। साथ ही साथ हम सभी पल्लों को देखिए, सभी पल्लों को इस प्रकार से रखकर देखिए जिस हिसाब से, हाँ ध्यान रखें कटोरी का पल्ला हमेशा उरे भी काटे। अब देखकर उसको अपने हिसाब से पोजीशन जमा सकते हैं, इसको आ जाए तो ऐसे काट सकते हैं। देखिए यहाँ पर ऐसे, कपड़े के ऊपर डिपेंड करता है। ये देखिए इस प्रकार से इसको उरेबी, तो ये उरेबी हो गया, ये खड़ी हो गया, ये आड़ी हो गया, नीचे का हिस्सा काटते हैं इसको। देखिए दोस्तों, इस प्रकार से हमने सभी पल्ले को काट लिया, इसको भी काट लिया, इसको भी काट लिया। ये अस्थि में थोड़ी ज्वाइंट आएगी, साइड साइड में इस प्रकार से ज्वाइंट आएगी क्योंकि इतना लंबा इसमें कपड़ा नहीं था। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये हमारा कटोरी पल्ला हो गया, ये हो गया बैक पार्ट, इसमें बनाएंगे हम डिजाइन। देखिए दोस्तों, थोड़ा कैमरा बंद हो गया था यहाँ पर। यहाँ पर हम क्या करेंगे, 10.5 इंच पर यहाँ पर इस प्रकार से मार्किंग किए हैं। उसके बाद देखिए, इसमें हमने इस प्रकार से तिरछी लाइन खींची और इस प्रकार से ये, तो ये टुकड़ा यहाँ से निकल गया। अब चलिए चलते हैं मशीन पर, पूरी कलाकारी हम मशीन पर दिखाने वाले हैं। कटिंग हो जाने के बाद आप सभी पल्लों को आप चिपकाइए, हाथों से चिपकाइए, अगर आपको समझ नहीं आता तो मशीन से चिपका सकते हैं, लेकिन हाथों से इस प्रकार टाके से चिपकाने पर काफ़ी सफाई आती है। उसके बाद सभी एक्स्ट्रा जो मटेरियल है इसको काट लिए। अब देखिए दोस्तों, ब्लाउज की डिज़ाइन ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसको किस प्रकार से बनाए, बहुत सारे तरीके होते हैं। देखिए, हम यहाँ पर इस प्रकार से त्रिकोण गला काट रखे हैं, उसको हम पलटने वाला बना रहे हैं यहाँ पर। अंदर से सफाई के साथ उसको छांट लें और कोने पर छोटे छोटे कट्स लगा लीजिए। इसके बाद आप इसको इस प्रकार से पलटने के पहले नाखून लगा लें, फिर उसके बाद आप उस प्रकार से में टाके लगाइए। सिलाई भी कर सकते हैं, आपकी चॉइस है, मैं टाके का इस्तेमाल ज़्यादा करता हूँ। देखिए इस प्रकार से, उसके बाद एक्स्ट्रा इसका छांट लेंगे। देखिए दोस्तों, इसमें जो बाद में सलवटें आती है वो नहीं आती। देखिए, हमने शुरू में जो कपड़ा एक्स्ट्रा नीचे का काट रखा था बॉर्डर, उसको इस प्रकार से लेस की तरह इस त्रिकोण में फिट कर देंगे। इस प्रकार से बहुत ही आसान होता है, आप भी कर सकते हैं। ये देखिए दोस्तों, इस प्रकार से ये फिट हो गई है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें डांट वगैरह लगाएंगे। देखिए, पीछे का डांट है, बिल्कुल इसमें लगाएंगे। दोनों तरफ का हमने डांट लगा दिया। अब हम चलते हैं फ्रंट पार्ट पे। फ्रंट पार्ट में सबसे पहले कटोरी को उसके पार्ट के साथ जोड़ेंगे, बिल्कुल एक समान सिलाई का उपयोग करें दोस्तों। देखिए बिल्कुल, उसके बाद जो एक्स्ट्रा है ना, धागे वगैरह रहते हैं, उसको एक बराबर से छांट लें इस प्रकार से। उसमें आप डांट लगाइए, डांट को थोड़ा सा हमने राउंड करते हुए घुमाया हुआ है। देखिए, अब इसके बाद हम बेट को अटैच कर रहे हैं। बिल्कुल सिंपल प्रोसेस है, सभी जो सिलाई का मार्जिन है एक बराबर रखें, सफाई आती है। अब देखिए दोस्तों, इसमें हम लगा देंगे हुक हाई की पट्टी। ये आप अपने तरीके से लगा सकते हैं, लेकिन वहां पे चुन्नर दे जरूर दीजिएगा बेट के पास। देखिए इस प्रकार से, इसी तरह से हम आई के लिए भी पट्टी लगा लेंगे। देखिए इस प्रकार से हमने चौड़ा, देखो अपना अपना तरीका होता है, ये तरीका आपको
यहाँ पर इस प्रकार से हमने सिलाई लगाया, उसके बाद क्या किए, हाँ इधर ऐसे मोड़ दिए। किनारे सिलाई लगाए अंदर की तरफ आकर हम इसका ये मोड़ दिए, इससे क्या है ऊपर की तरफ बड़ी खूबसूरत लगती है। अब यहाँ पर दोनों पल्ले को मिला ले दोस्तों, सामने का जरूरी काम है, शोल्डर जोड़ ले। शोल्डर जोड़ने के बाद हम इसमें लगाएंगे डोरी पाइपिंग। डोरी पाइपिंग के लिए आप डिस्क्रिप्शन चेक कीजिए, मशीन को कैसे सेट करना है बताया गया दोस्तों। अब देखिए हम अब कंघूरा लगाएंगे, छोटा छोटा इस प्रकार से मोड़कर कंघूरा लगाएंगे, चार हिस्से में चौकोन कपड़े को इस प्रकार से करके तिकोन लगाएंगे, इसे कंघूरा कहते हैं। दोनों तरफ हम लगा लेंगे इसमें, देखिए इस प्रकार से हमने इसका नेकलाइन कंप्लीट कर लिया है। अंदर का भाग भी हम छांट लेंगे। इसके बाद दोस्तों आप आस्तीन वगैरह चढ़ा लीजिए, जो कि कॉमन प्रोसेस है, सब में की तरह होता है। देखिए कितनी खूबसूरती के साथ इसमें पफ क्रिएट हुई है। तो इस प्रकार से कटोरी को सिला जाता है, पीछे का पल्ला सेट किया जाता है। कई और तरीके होते हैं जिसे आप कर सकते हैं, लेकिन जो मैं अपने तरीका, जो मैं सिलाई करता हूँ, वो तरीका बताया हूँ। आशा दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।